जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ के बीच ये ओडीआई मैच है, इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है। लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। टेलीग्राम पर आपको 75,000 से प्लस सब्सक्राइबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों में प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका से क्विंटन डी कॉक, टेम्बा बावुमा जो कि दोस्तों कप्तान है साउथ अफ्रीका के, रिजा हेंड्रिक्स, राशिवर्धन दोसन, रेयान ट्रिस्टन स्टब्स, ए पहलू, वैन पर्नेल, जीलैंड कॉर्जी, लुंगे एंडिगिडी, तवरेज सामसी। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, साई होप जो कि दोस्तों कप्तान है वेस्ट इंडीज़ के, कायल मेयर्स, निकोलस पूरन, समार ब्रुक्स, ब्रैंडन किंग, रोमन पॉवेल, आर सेफर्ड, जेसन ओल्डर, अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों जेसन ओल्डर, ऑडियन स्मिथ, अकील हुसैन, अलजारी जोस्पी। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बता दूँ, ये मुकाबला 18 मार्च को शाम को 4:30 बजे से बफेलो पार्क ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, ये बैटिंग पिच है, अभी तक टोटल यहाँ 25 मैचेस खेले गए हैं, जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है उन्होंने 13 मुकाबले जीते हैं, एंड जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट की है उन्होंने 12 मुकाबले जीते हैं फ्रेंड्स। एवरेज स्कोर की बात करूँ दोस्तों इस पिच का, तो 225 रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट की। तो दोस्तों, जो यहाँ का टेम्परेचर रहने वाला है ईस्ट लंदन का, वो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स, और 10.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ बफेलो पार्क के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, टोटल मैच 25 खेले गए हैं, जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है उन्होंने 13 मुकाबले जीते हैं, एंड जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट की है उन्होंने 12 मुकाबले जीते हैं। परसेंटेज की बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट वन 52% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 48%। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 225 रहा है, एंड सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है दोस्तों वो 194 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का इस स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 369 6 विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 115 10 विकेट के साथ रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट चेज जो स्कोर रहा है 257 5 विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट वेंडेड 129 10 विकेट के साथ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ इस मैच में गिब्बे की। तो बता दूँ दोस्तों, इस मैच में 10,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है, तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर फ्री गिब्बे मिलते रहते हैं फ्रेंड्स हर मैच में। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा, एंड सेकंड रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का, एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 300 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों बता दूँ आपको, जो साउथ अफ्रीका है वो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप साउथ अफ्रीका के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स अपनी ड्रीम 11 टीम की। तो दोस्तों, क्विंटन डी कॉक को मैंने सिलेक्ट किया है, साई होप, टेम्बा बावुमा, राशिवर्धन दोसन, जेसन ओल्डर, रेस्टन चेस, वैन पर्नेल, एंडली लुंगे एंडिगडी, अलजारी जोस्पी, तवरेज सामसी। दोस्तों, आप ये मेरी ड्रीम 11 टीम देख सकते हो जो कि मैंने ड्रीम 11 टीम बनाई है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की। जो आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों वेस्ट इंडीज टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो आप क्विंटन डी कॉक को एज अ कैप्टन अपनी स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन सिलेक्ट किया है क्विंटन डी कॉक को, और कैप्टन दोस्तों मैंने आरविदा दोसन को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ लुंगी एंडिगडी को भी दोस्तों आप एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की। तो दोस्तों, आपको बता दूँ साउथ अफ्रीका है जो कि 44 मुकाबला जीता है हेड टू हेड, एंड वेस्ट इंडीज 15 मुकाबला जीता है फ्रेंड्स हेड टू हेड। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो दोस्तों आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ फैंटेसी टिप्स की।
तो आप टॉप ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। डेथ ओवर वाले जो बॉलिंग कराएं बॉलर, आप उनको जरूर सिलेक्ट करिए, उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे लास्ट में, तो आप उनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। विकेट कीपर में आप क्विंटन डीकॉक को, साई होप को, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए दोनों विकेट कीपर बेस्ट रहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ, पेसर्स का ज़्यादा रोल रहने वाला है इस पिच पर, तो दोस्तों आप पेसर्स भी अपनी फैंटेसी टीम में फास्ट बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ तो दोस्तों साउथ अफ्रीका जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है वेस्ट इंडीज टीम से, तो दोस्तों आप जो कंपेयर कर सकते हैं वो आप 7-4 का कॉम्बिनेशन अपनी फैंटेसी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि साउथ अफ्रीका की ओर से हैं, क्विंटन डीकॉक अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों, टेम्बा आउना, राशिवर्धन ए पहलू एंड लुंगी एंड निगड़ी दोस्तों अच्छे बॉलर हैं, दोस्तों आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। ये 5 जो कि मेन प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि वेस्ट इंडीज़ की ओर से हैं, साई होप, निकोलस पूरन, रोमन पॉवेल, आर सैफर्ड, जेसन होल्डर, अल्जारी जोस्पी, दोस्तों ये कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ की ओर से हैं, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों आप एज अ वाइस कैप्टन क्विंटन डीकॉक को अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। एंड आरविंदर दूसन को एज अ दोस्तों कैप्टन आप स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ साई होप की, जो कि दोस्तों आप इनको एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। नेक्स्ट जेसन होल्डर को आप एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट करिए, आपके लिए ये खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे फ्रेंड्स। जो इंजर्ड की बात करूं फ्रेंड्स, तो दोनों टीमों में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।